हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। पहले तो सेट थियोरी जो बेसिक था उसके थियोरम्स और उसके लॉज के बारे में पढ़ा और उसके बेस के एग्जांपल सीखे। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन जो पढ़ी है उसके बेस पे जो एग्जांपल है वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी पर आज उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू सेट एंड लेट बी इज इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू जेड दिया गया है और b इज इक्वल टू जीरो वन। लेट f फ्रॉम a टेंड्स टू b दिया गया है, b डिफाइंड बाय, उसको डिफाइन किया है कि f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो इफ a इज इवन, वन इफ a इज ऑड। ये जो जीरो वन की कंडीशन दी है, b की वैल्यू यहां पर पुट करें तो जीरो इफ ए इज इवन, अगर ए इवन है तो वहां पर वैल्यू जीरो होगी, अगर ए ऑड है तो वहां पर वैल्यू वन होगी। तो ए इज इक्वल टू जेड, जेड मतलब क्या है? इंटीजर्स, जो हमने बेसिक साइड थ्योरी पढ़ा था वहां पर ही देखा था कि ना नेचुरल नंबर्स एन जेड आर आर प्लस वहां पर, तो इंटीजर्स आइडेंटिफाई वेदर एफ इज अ फंक्शन। तो यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि एफ, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें फंक्शन है नहीं, तो फंक्शन जो दिया है वो लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू अप टू, ये इंटीजर्स आ गया। कंसीडर, तो यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए, फोर बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू एंड सिक्स बिलोंग्स टू, ये हमने लिमिटेशन ले ली है यहां क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देन एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्यों वन आया और यहां पर क्यों जीरो आया, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें कंडीशन दी गई है कि अगर हम ए की वैल्यू सपोज पुट करते हैं इक्वल टू जीरो इफ ए इज इवन, अगर ए जो दिया है वो इवन है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, वन इफ ए इज ऑड। तो यहां पर ए की वैल्यू हमने वन डाली जो ऑड बन रही है तो उसका आंसर वन होगा, अगर टू पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा जीरो, थ्री पुट कर रहे तो वन, फोर पुट करे तो जीरो, फाइव पुट करे तो वन, सिक्स पुट करे तो जीरो। एफ इज अ फंक्शन, यहां पर एफ फंक्शन है क्यों, सिंस ईच सेट एफ ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। तो यहां पर जो एफ ऑफ ए दिया है वो एक सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है तो ही वो फंक्शन कहलाएगा। मतलब कि यहां पर इसकी जो आंसर्स आ रहे हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते तो वो फंक्शन नहीं है क्योंकि उसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। यहां पर क्या है, उसकी एक यूनिक वैल्यू, सबकी अलग अलग यूनिक वैल्यू हो गई। तो एफ इज अ फंक्शन सिंस ईच सेट एफ ऑफ ए, जो हर एक सेट है एफ ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, उसमें क्या है, सिंगल एलिमेंट है इसीलिए वो फंक्शन कहेंगे। वैसे ही सब एग्जांपल में यही चेक करना है कि वो सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नाउ सेकेंड एग्जांपल, लाइक ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए सेट है उसमें चार एलिमेंट दिए गए हैं ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू वन टू थ्री। ए जो है वो ए बी सी डी है और बी सेट जो दिया गया है वो है वन टू थ्री। अब डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, तो ए टेंड्स टू बी जो है वो फंक्शन चेक करना है। इट इज अ फंक्शन गिवन इट्स रेंज, अगर ये फंक्शन जो दिए गए है उसकी हमें क्या देनी है, रेंज देनी है। पहले तो वो चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं, और फंक्शन भी है तो उसकी रेंज क्या है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। चार अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन हम चेक करेंगे। फर्स्ट है आर इज इक्वल टू ए वन बी टू सी वन एंड डी टू। फर्स्ट आर ऑफ ए इज इक्वल टू वन, इसका सेट क्या
होगा मतलब सेट का एलिमेंट वन. देन आर ऑफ बी इज इक्वल टू टू, आर ऑफ सी इज इक्वल टू वन, आर ऑफ डी इज इक्वल टू टू. तो यहां पर हम चेक करें तो सबके सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट भले ही सेम है पर क्या है सब में सिंगल है. चलो यहाँ वन है टू है टू, ऐसा तो इसमें भी हो रहा था वन वन जीरो, पर क्या है रेक में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है सेट में. तो आर ऑफ इज इक्वल टू वन, आर ऑफ सी इज इक्वल टू वन, आर ऑफ डी इज इक्वल टू टू एंड आर ऑफ डी इज इक्वल टू टू. तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है आर ऑफ एन फंक्शन हो गया यहाँ पर. तो आर इज अ फंक्शन बिकॉज आर ऑफ एन इज सिंगल वैल्यू. अब ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट दिस फंक्शन एज अ शॉन इन. हम फिगर में चेक करते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ग्राफिकली लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि इसको ग्राफिकली दिखाना हो टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म, ये दोनों चीज हमने वहां पर सीखी. तो क्या है ए बी सी डी, दो सेट है ए और बी, ए बी सी डी चार अलग अलग सेट दिए. बी सेट है वन टू थ्री एलिमेंट, वन टू थ्री. अब ए वन बी टू, ए क्या है ए वन पे है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो ए. बी जो है टू, देन सी वन एंड देन बी टू. तो ये क्या चीज हो गई कि यहां पर ये ए वन बी टू सी वन एंड डी टू. ग्राफिकली इस चीज को हमने दिखाया कि क्या है. अब इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या रेंज में आ रहा है तो सिर्फ वन और टू. सेट में थ्री एलिमेंट्स दिया गया है पर उसका यूज कहीं पर नहीं हो रहा है, तो वन एंड टू इसकी क्या हो गई रेंज, दैट इज रेंज ऑफ आर इज वन टू. तो यहां पर इसका रेंज भी फाइंड कर लिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो पता चला कि इसकी रेंज क्या है और फंक्शन है कि नहीं. ए और बी, ए टेंड्स टू बी जो दिया गया है वो फंक्शन है कि नहीं वो चीज हमें चेक करनी है. ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया. वैसे ही सेकेंड आर इज इक्वल टू ए वन बी टू देन ए टू सी वन एंड लास्ट डी टू. तो आप चेक करते हैं सिग्नल वैल्यू है कि नहीं. आर ऑफ ए इज इक्वल टू वन, आर ऑफ बी इक्वल टू टू,
देन आर ऑफ ए टू है, आर ऑफ ए इज इक्वल टू इसी को एक ही सेट में हम दिखा सकते हैं 1 2। देन आर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 एंड आर ऑफ बी इज इक्वल टू। तो यहां पर आर ऑफ एन जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या है, दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, मतलब इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। बस तो यही चीज ध्यान रखनी कि अगर उसके सिंगल एलिमेंट्स है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। इसकी रेंज तो हमें मिल ही सकती है, अगर वो फंक्शन है कि नहीं है तो उसकी रेंज तो हमें मिलने ही वाली है। आर इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज आर ऑफ ए इज 1 2 नॉट अ यूनिक वैल्यू। इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, इसीलिए आर ऑफ आर इज नॉट अ फंक्शन। अब इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ए बी सी डी दो सेट है, ए बी सी डी सामने सेट क्या है 1 2 और 3। बी सेट जो दिया है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब ए इज इक्वल टू 1 2, बी टू बी जो साइड बी जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट है सामने 2, देन सी 1 एंड देन डी 2। तो यहां पर भी इसकी रेंज क्या होगी? यहां पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वहां पर उसकी रेंज क्या मिलेगी हमें 1 और 2। अगर ये यूनिक वैल्यू नहीं है तो यहां पर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे इसकी रेंज तो भी चलेगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, आर इज इक्वल टू ए 3 बी 2 एंड सी 1। अब आर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, आर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड आर ऑफ सी इज इक्वल टू 1। यहां पर हम चेक करें तो सिंगल एलिमेंट्स है सबके, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आर इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि सबके एलिमेंट्स क्या है, सिंगल लिख रहे हैं हमें यहां पर, आर इज अ फंक्शन since each element, each set given a single element। यहां पर जो एक सेट है वो क्या है, सिंगल एलिमेंट दे रहा है, इसलिए आर क्या है, फंक्शन। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ए B, C, D, 1 2 3। A मतलब कहां पर रहेगा साइड, जो एलिमेंट दिया है वो है 3, देन C 1 एंड B
टू वन नेक्स्ट फोर नंबर अगर इसकी भी रेंज फाइंड करें तो इसकी रेंज क्या होगी आर ऑफ रेंज आर इज इक्वल टू वन टू एन थ्री इसकी रेंज होगी सेम यहां पर भी रेंज क्या होगी वन एंड टू फोर्थ आर इज इक्वल टू ए वन देन बी वन सी वन एंड डी वन आर ऑफ ए इज इक्वल टू वन आर ऑफ बी इज इक्वल टू वन आर ऑफ सी इज इक्वल टू वन एंड आर ऑफ डी इज इक्वल टू वन साइड के पास क्या है सिंगल एलिमेंट्स है एलिमेंट्स भले ही सेम है पर एलिमेंट्स क्या है सिंगल एलिमेंट्स ही दिए गए हैं तो आर इज अ फंक्शन अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ए बी सी डी वन टू थ्री एक एलिमेंट बी सॉरी वन है सॉरी बी वन सी वन वन इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी रेंज क्या होगी वन ही रहेगी इसकी रेंज रेंज आर इज इक्वल टू वन सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो ये फंक्शन है तो इसका मतलब फंक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे जहां पर भी आपको दो एलिमेंट्स मतलब जो सेट दिए गए हैं अगर वहां पर दो एलिमेंट्स है तो वो यूनिक वैल्यू वहां पर हमें नहीं मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा वैल्यूज सेम हो सकती है यहां पर भी देखा टू है ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखा कि वन वन टू टू एलिमेंट सेम हो सकते हैं मतलब कि वैल्यू सेम हो सकती है पर सिंगल एलिमेंट होना चाहिए उसकी एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए अगर वहां पर दो वैल्यूज है तो वो फंक्शन कंसिडर नहीं होगा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो बहुत ही इजी चीज है आपको जो सेट दिया गया है उसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है जो ए और बी सेट दिए गए हैं ना नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई ए जो सेट दिया है उसके एलिमेंट सी है एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डिटरमाइन वेदर द आर फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन ये चेक करना है आर फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ इट इज अ फंक्शन गिव इट्स रेंज अगर वो फंक्शन है तो उसकी रेंज दिखानी है अदरवाइज रेंज दिखाने की जरूरत नहीं है लास्ट एग्जाम्पल में भी वही चीज थी अगर वो फंक्शन है तो उसकी रेंज आपको दिखानी है फर्स्ट है आर इज इक्वल टू चेक करते हैं आर इज इक्वल टू ए वन सॉरी ए वाई बी जेड सी एक्स डी जेड ए जेड एंड बी एक्स तो आर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई आर ऑफ बी इज इक्वल टू जेड आर ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स आर ऑफ डी इज इक्वल टू जेड आर ऑफ ए इज इक्वल टू जेड वाई है जेड देन आर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स जेड है तो यहां पर ये फंक्शन नहीं है क्यों फंक्शन नहीं है क्योंकि आर ऑफ ए के पास भी दो एलिमेंट्स है और आर ऑफ बी के पास भी दो एलिमेंट्स है
is not a function because y z and z x is not unique value, मतलब कि r of a और r of b की कोई unique value नहीं है, इसीलिए वो function नहीं है. Second example. By अगर ये फंक्शन नहीं है तो उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर वो फंक्शन है तो उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो और उसकी रेंज फाइंड करो. अब r इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब कि r ऑफ a इज इक्वल टू x, r ऑफ b इज इक्वल टू y एंड r ऑफ ax b by n c x. r of x is equal to a, r of b is equal to y and r of c is equal to x. अब क्या है, तीनों के पास सिंगल एलिमेंट है, वैल्यू सेम है पर तीनों का डिफरेंट है, इसलिए क्या बनेगा, r of n is a function, r is a function because for every a belongs to capital A, there exists a unique b belongs to. ये फंक्शन की डेफिनेशन भी थी, हमने भी देखा था कि a belongs to capital A and f of a belongs to capital B. तो वो वही में बिलोंग कर रहा है. तो r इज अ फंक्शन, ग्राफिकली वी रिप्रेजेंट दिस फंक्शन चाहिए तो ही वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है.
अप फंक्शन है तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो और उसकी रेंज दिखाओ। फंक्शन देख लिया कि कैसे फंक्शन डिफाइन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि इफ एफ इज द मोड 12 फंक्शन, एक्चुअली मॉड्यूल है 12 फंक्शन, कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये अगर मॉड्यूलो 12 दिया गया है तो उसके ऊपर से नीचे के फंक्शन फाइंड करने, कैसे करने ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है तो चेक करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन 1259 प्लस 743 इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन 2002। इसका एडिशन किया, क्या दिया है मॉड्यूलो 12, तो इसका क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है उसको 12 से डिवाइड करना है। 2002 डिवाइड 12, अब मॉड्यूलो है एक्चुअली इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, पर डिवाइड कर रहे हैं 12, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा, हम मॉड्यूलो फाइंड कर रहे हैं तो कैसा है, तो 2002 है उसको 12 के साइड डिवाइड करो। वैसे आप कैल्सियम में चेक करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर भी मिल सकता है, पर वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। 12 अब 12 वन सा 12 रिमाइंडर 8 0 10 12 सिक्स 72 कितना रहेगा वापस से 8 वन से 2 10 12 सिक्स 72 क्या रहेगा 10। अब पॉइंट में मिलेगा क्यों पॉइंट करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 12 डिजिट दिया गया है, तो ये जो मिला हमें कैसे 166 पॉइंट समथिंग कुछ दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, हम सीधा यही करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि हमने ऐसे इजीली मतलब कैलसी का यूज नहीं किया है, ऐसे ही हमने फाइंड किया तो ये हमारा आंसर 10 यहाँ पर मिल गया। पर अगर आप कैलसी में चेक करने जाते हो तो यहाँ पर तो ये आंसर मिलेगा, रिमाइंडर तो आपको नहीं मिलने वाला है, तो 166 पॉइंट जो भी दिया है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद 2002 माइनस वो जो भी आंसर आ रहा है उसको माइनस करो, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या बनेगा रिमाइंडर। और आप इजीली ऐसे भी उसको फाइंड कर सकते हो, तो ये इसका आंसर आ गया 10। बहुत ही इजी है, यहाँ पर मॉड्यूलो कुछ भी दिया जा सकता है, आपको जो भी मॉड्यूलो दिया उसे डिवाइड करो पर उसका रिमाइंडर जो है जो वो हमारा आंसर रहेगा। ये फर्स्ट का आंसर मिल गया। वैसे ही सेकेंड फंक्शन ऑफ 1259 प्लस फंक्शन ऑफ 743 सेम चीज, 1259 डिवाइड 12 प्लस 743 डिवाइड 12, तो इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 11। अब एडिशन तो लास्ट करना ही है, ये तो सिर्फ हमने इसका रिमाइंडर लिखा, आंसर 20। मॉड्यूलो मतलब आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा आंसर रहेगा। ये हो गया सेकेंड। नाउ थर्ड, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 319 अप 2 मल्टीप्लाई 319 डिवाइड 12, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 7। 7 मल्टीप्लाई 2 14। बहुत ही इजी है, यहाँ पर आपको मॉड्यूलो कुछ भी दिया जा सकता है, इसको इजीली डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर है वो हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को फंक्शंस के क्वेश्चंस में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।